हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज देखते हैं हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है वॉल्यूम और क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, और इससे आप लोगों को बड़े प्लेयर जो है यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन की पोजिशन देख करके आपको रिटेल ट्रेडर को, मैं बोल रहा हूँ रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से गाजर दिखाता है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप ऑप्शन बायर होकर के भी फंसोगे नहीं, ठीक है। ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम डीके का शिकार होता है। और कैसे फंसाया जाता है, एक तरफ का प्रीमियम बढ़ा करके वहां पर ऑप्शन बायर को लाया जाएगा, उनको सेल किया जाएगा माल, फिर दूसरी तरफ मार्केट मूव करेगा और आपका लॉसेस करवाएगा, ये खेल कैसे चलता है इन डिटेल में इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप सीखना चाहते हो इन डिटेल में, ऑप्शन चेन को समझना चाहते हो और ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, तो हम लोग एक कम्युनिटी बैचेस चलाते हैं। उस कम्युनिटी बैचेस को ज्वाइन करने का व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा होगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो जुलाई मंथ के बैच में आप आ सकते हो। मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए, आपका प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं उसका 101% आपको सोल्यूशन निकाल करके दूंगा और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कम्युनिटी बैचेस जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ब्लू कलर की लाइन में ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले वॉल्यूम, उसके बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब बड़ी क्वांटिटी, बड़ी भीड़, ज्यादा लोग जहां पर है उसको बोला जाता है वॉल्यूम। अब हाइएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को दिखाई देता है ब्लू कलर से। तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या, जो भी कुछ पब्लिक है, बहुत ज्यादा पब्लिक है, वो इसी प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। यानी कि क्या, अगर यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम जो है वो 36 लाख का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोर देन 36 लाख का वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये इन द मनी में, इसलिए इसको ग्रे कलर दिया गया है, ठीक है। अब वैसे अगर देखा जाए हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर में हाईएस्ट वॉल्यूम को दिखाते हैं हमेशा एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। तो मान लीजिए कि 23,500 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है कॉल के साइड में, अगर हाईएस्ट वॉल्यूम एलटीपी कैलकुलेटर में कॉल के साइड में है तो वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसे समझ लेते हैं कि 23,500 पर ज्यादा से ज्यादा कॉल जो है वो ट्रेड हो रहा है ना। दूसरी बात अगर हम लोग देखें सपोर्ट की तरफ की, ठीक है, तो पुट के साइड में अगर हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर से दिखाई देता है, हाईएस्ट वॉल्यूम अगर ज्यादा किसी स्ट्राइक प्राइस पर है, इसका मतलब वो पुट जो है वो ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है, ज्यादा लोगों के द्वारा ट्रेड किया जाए, उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा क्वांटिटी में या फिर बाइंग सेलिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है, इसीलिए वो हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। अब पुट की तरफ का हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोगों को सपोर्ट दिखाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है 23,400 पर, और कॉल की तरफ का हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखाता है, वो एक्टिविटी ज्यादा हो रही है 23,500 पर। अब ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं जाकर के शिफ्ट होगी, ठीक है। मार्केट हमेशा 400 और 500 की रेंज में नहीं घूमने वाला, मार्केट 400 ब्रेक करके या तो नीचे जा सकता है या फिर 500 की लेवल ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, तो कमजोर कोई ना कोई होगा जरूर, या तो रेजिस्टेंस कमजोर होगा या फिर सपोर्ट कमजोर होगा, हम लोगों को वेट करना है कि कमजोरी कहां पर आ रही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर यहाँ कहीं पर वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो बना, जैसे कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस चीज को, रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है 23,500 से लेकर 23,650 तक, और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब भी मार्केट हम लोगों को दिखे हम लोगों को कॉल की बाइंग करनी है, या फिर हम सेलर अगर है तो पुट को सेल कर सकते हैं, दो एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो कॉल की बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उसके अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल नहीं आते, सबसे ज्यादा जो रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं वो है प्रो ट्रेडर्स। अब प्रो ट्रेडर्स में कौन कौन आता है, प्रो ट्रेडर्स आपको समझना पड़ेगा, एक होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा होता है प्रो ट्रेडर, और तीसरे होते हैं हम लोग क्लाइंट, ठीक है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर,
ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज होती है। और चौथी जो कैटेगरीज होती है वो होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे LIC, UTI, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब कुछ। अब DIIs जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, आपको पता होगा कि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑप्शन ट्रेडिंग वो लोग नहीं करते, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते, वो लोग प्योरली पब्लिक का पैसा स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते। फिर बचा कौन? बचा एक दो दो लोग जो है वो रिटेल ट्रेडर को फंसाते, एक तो प्रो ट्रेडर और दूसरा जो है वो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये लोग फंसाते कैसे? अब FIIs तो समझ में आ गया कि बाहर के देशों वाले लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। प्रो ट्रेडर में कौन कौन आता है, इंटरेस्टिंग चीज है, प्रो ट्रेडर में आता है बैंक्स और ब्रोकर्स। जी हाँ, ब्रोकर्स, आप जिस अकाउंट में, ब्रोकर के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं वो भी खुद ट्रेड करते हैं और आपके अकाउंट वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर की मैक्सिमम पोजीशंस कहाँ पर बन रही है, क्योंकि आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड पंच कर रहे हैं। ठीक है, तो खेल कैसे खेला जाता है थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रीमियम आउट ऑफ द मनी पर कहाँ पर मिल रहा है वो सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को पुट का प्रीमियम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम लोगों को कॉल का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले ऊपर ले जाएंगे मार्केट को, ठीक है, और पुट का प्रीमियम खाया जाएगा। जब यहाँ का प्रीमियम कम हो जाएगा और यहाँ का प्रीमियम बढ़ जाएगा, इन्होंने पुट सेल कर रखा था है ना, कॉल का प्रीमियम ये लोग ऊपर की तरफ मार्केट ले जा करके बढ़ाएंगे, और रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, हम लोगों को कॉल बाय करना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर रिटेल पब्लिक जो है वो क्या करेगी, 100 रुपए से ज्यादा के प्राइस में इन कॉल्स को खरीदेगी। ठीक है, और ये लोग प्रो ट्रेडर्स और FIIs जो है वो 100, 120, 140, 150 के प्राइस पर इनको बेचेंगे, सेल करेंगे, फिर मार्केट को नीचे लाएंगे। ठीक है, इनका प्रीमियम डीके कराएंगे। ठीक है, रिटेल ट्रेडर का लॉस होगा, इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होगा, और फिर मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, वहां से पुट। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पुट बाय करेगा, कॉल निकाल के पुट बाय करेगा, क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ चुका है। अब ये लोग कॉल में प्रॉफिट बुक करके पुट को सेल करेंगे, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, इसी तरीके से फंसाया जाए, ये खुले खुले कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि साइडवेज मार्केट में कतई ट्रेड नहीं करता है, हमेशा क्लियर कट सिनारियो जहां पर हो, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में बहुत ज्यादा क्लियर सिनारियोज है, मैं उनको वहां पर कम्युनिटी बैचेस में आपको सिखाता हूँ। तो आपको अगर लर्निंग करना है कि हाँ भाई इसको, ठीक है, अब वॉल्यूम की जब हम लोग बात कर रहे थे, इसको सीखना किस तरीके से, अब जहां पर भीड़ भड़का है, ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो चीज जो है वो ऐसे बैठ जाएगी उसके अंदर। ठीक है ना, किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, इसको गिराने वाले लोग कितने हैं, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करने वाले लोग कितने हैं और रेजिस्टेंस पे बाइंग करने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक स्ट्राइक प्राइस पर बायर और सेलर हमेशा होते हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस पर 23,000 पर होंगे, 23,100, 23,150, 200, 300, 400, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल पुट की खरीदारी और बेच बिकवाली होती है। कोई ना कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई ना कोई पुट बाय कर रहा है, कोई ना कोई कॉल सेल कर रहा है, कोई ना कोई पुट सेल कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो होती है हर एक स्ट्राइक प्राइस पर। लेट्स इमेजिन कि 23,350 की लेवल पर, यहाँ पर आप लोग समझ लो 40-50 की लेवल पर यहाँ पर रजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, और यहाँ कहीं पर सपोर्ट है, तो आप मान लीजिए कि 23,200 पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट देने वाले लोग यानी कि बायर और सेलर एक्टिवेट होते हैं। अब चीज इस तरीके से समझनी है कि सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है, यानी कि ये कैसे समझ में आएगा सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है, हमेशा ध्यान में रखना आउट ऑफ द मनी जो भी कॉल होंगे, ठीक है, वहां पर कॉल राइटर बैठे होते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी जितने भी पुट है वहां पर पुट राइटर बैठे होते हैं। तो ये एरिया उसी लिए रेजिस्टेंस कहा जाता है और ये एरिया उसी लिए सपोर्ट कहा जाता है, जो कि आउट ऑफ द मनी का होता है। अब इसको देखने का और एक तरीका हम लोगों के पास है, 2.0, 2.0, 1.0 इन डिटेल्स में मैं कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ और कई बार इसके अंदर वीडियो भी बना चुका हूँ। तो ये बात जब आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ से कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं, पुट राइटर एंट्री कर रहे हैं,
तो भैया ये सपोर्ट बनेगा यहाँ से बाइंग करनी, इस एरिया में जब जब भी मार्केट आएगा तो हम लोगों को बाय करनी। तो जब भी मार्केट आप लोगों को इस एरिया में आता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में ही ये इतनी बड़ी गिरावट आ गई थी। अब मॉर्निंग में देखो 23,350 पर क्या हो रखा था, 23,350 पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो 350 के लेवल पर देखो क्या हो रहा था, 350 के लेवल पर कॉल पुट राइटर बढ़ रहे थे और अचानक से जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो यहाँ से कॉल राइटर एग्जिट होना स्टार्ट हुए, पुट राइटर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो पुट राइटर बढ़ना यानी कि सपोर्ट का क्रिएट होना, ठीक है, और कॉल राइटर निकलना यानी कि सपोर्ट का क्रिएट होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से कॉल राइटर निकलते हुए दिखे और मार्केट जो है वो 350 के लेवल से यू टर्न लेके ऊपर की तरफ भाग गए, ठीक है। तो ये जब आप समझ जाओगे तो आप चाहे ऑप्शन बाय करो, आउट ऑफ द मनी करो, स्कैल्पिंग करो, चाहे जो कुछ करो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो है वो इन डिटेल्स में समझ में आएगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, जहां पर एक ऑप्शन का बायर और एक ऑप्शन का सेलर मिलकर के एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर एक ऑप्शन का बायर और एक ऑप्शन का सेलर आपको हमेशा दिखाई देगा, यानी कि इतने लोगों ने यहाँ पर इस कॉल को बाय और सेल करके होल्ड किए हो गया अपनी पोजिशन को, ठीक है, एग्जिट नहीं किया, होल्ड किया हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है वो सेलर ही विन करता है सिचुएशन को, क्योंकि बायर जो होता है वो टाइम डिके के कारण अगर नुकसान होने लगा तो वो सेल कर जाता है, अपनी पोजिशन से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, आप देखो 45,380 के चेंज इन ओआई से ये इंक्रीज हुआ है, तो ये हम लोग मानेंगे कि कॉल राइटर इस लेवल पर बढ़े, यानी कि ये रजिस्टेंस होगा, यहां से आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो इंक्रीज हो रहा है इसका भी वीकनेस होता है, अभी देखो यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, हो सकता है ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ हो, ठीक है, हम नहीं जानते, हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा देखने पर ही पता चलेगा। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जहां पर होगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वो एरिया सपोर्ट पुट की तरफ और रेजिस्टेंस कॉल की तरफ इस तरीके से काम करने वाला है। तो आपको डेटा के ऊपर डिपेंड कितना रहना है, तो आपको डेटा के ऊपर 50% और प्राइस एक्शन के ऊपर 50% डिपेंडेंसी अपनी रखनी होगी, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 40% प्राइस एक्शन, 40% डेटा और 20% जो है वो इंडिकेटर का यूज करो। मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंडिकेटर है जिनके अंदर एआई टूल्स का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, इतने सारे इंडिकेटर्स में वहां पर आपको सिखाता हूँ कम्युनिटी बैचेस के अंदर, तो अगर आपको सीखना है तो आप आ सकते हो। ये इंडिकेटर उनमें से ही एक है, यहाँ पर आपको देखो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन यूज किया, डेटा यूज किया, इंडिकेटर यूज किया, 101% कंफर्मेशन है यहाँ से ऊपर की तरफ भागा है मार्केट। तो कॉल बाइंग में हो या पुट सेलिंग में हो 101% प्रॉफिट मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोज आपको देखने और सीखने के लिए मिले। मार्केट में इन डिटेल्स में सिखाता हूँ मैं, कोई भी कंजूसी यहाँ पर नहीं करता। और जो लोग सीरियस है यहाँ पर सीखने के लिए कि हाँ भाई मुझे कुछ एक डायरेक्शन चाहिए कि कौन सी ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाया है जिसको हम लोग उसी तरीके से सिखाता हूँ मैं उसको। तो ये जो इन्वेस्टिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर, इक्विटी के अंदर, ऑप्शन स्कैल्पिंग जो है, बाइंग सेलिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मैं आपको कम्युनिटी बैच में सिखाता हूँ। तो अगर आपको सब कुछ अगर सीखना है इन डिटेल्स में, मार्केट के बारे में जानना है इनसाइड आउट, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहिए। वहां पर आकर के आप जो है बहुत ज्यादा सीखोगे मार्केट के बारे में, और सीख कर ट्रेडिंग करने में और बिना सीखे ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और वैसे भी आप 2500 रुपये एक दिन में ही लॉस कर दोगे, ठीक है, वो तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। 2500 रुपये आप कम्युनिटी में आने के लिए बचाओगे और वहां पर मार्केट में 100 बार 2500 रुपये का लॉस कर लोगे, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि पैसे कहाँ पर बचाने हैं, ठीक है। अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाकर के वो पैसा काम में आएगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनोगे, अदरवाइज यहाँ वहां देख करके अगर कुछ करोगे तो वो लॉसेस ही होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।